ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾ ਸੂਈ ਬੜੇ ਨਾ ਵਾਲ ਜੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਅਭੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਸ ਗਈ ਆ ਮੈਡਮ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ ਆ ਮੇਕਅਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਣਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੱਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਟੋ ਚੁੱਟੋ 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 ਚ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੈਮ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਜਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕੀ ਕੀ ਹੁਆ ਮਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਆ ਪਿਆਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਕੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੇ ਬਾਤ ਹੋਗੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੈਮ ਕਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬਾਏ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਕਅਪ ਲਾ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਚੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ ਬੇਟਾ ਬਸ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਟਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਮੈਮ ਘਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਮੈਮ ਕੁਝ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਲੈ कहाँ पे हो अरे यार मतलब तुम फोन काहे को नहीं उठा कर रहे हो सुन बात तो सुन लो पहले मेरी मैं काम कर रहा हूँ पागल इतनी बार फोन काट रहा हूँ कोई मतलब होगा काम कर रहा हूँ मैं मेरी बात सुनो हेलो सुनो क्या सिर्फ सुनो सुनो यार बात तो सुन लो मैं काम कर रहा हूँ समझो बात को बार बार कॉल क्यों करे जा रहे हो पहले मुझे सुनो अच्छा अब ये आगे ना बात की काम 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 पहले तो थे तुम ही हो मेरी जान तुम ही हो मेरा काम तो काम के बिना तुम्हें भी कैसे घुमाऊंगा खिलाऊंगा पिलाऊंगा यार इट्स ये मम्मा का फोन है ना हां जी हां जी हां जी हां जी मैं मम्मा की जल्दी खत्म करने गल मम्मी नाल की हुन पिंगा पा के बैठ गया ओके ओके मम्मी प्लीज बाद में समझ ले मेरी मां समझ ले सॉरी चल लिपस्टिक काट फटाफट ना उठा लो फोन चुक ते ओनू कह भी बंद करे जे तभी लगा काम कर दे हेलो जल्दी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो यार समझ लो बात को काम कर रहा हूँ मैडम से डांट भी पड़ गई 2-3 बार तो यार पहले मेरे से थोड़ी देर बात करो ना थोड़ी देर बाद बाद में भी तो कर सकता हूँ समझ लो यार बात नहीं अब भी करो अरे काम कर लूँ या ना करूँ यार प्लीज डार्लिंग चलो ना डोमिनोज चले आप बोल रहे थे प्लीज आओ ना मुझे नहीं पता कोई लड़की नहीं है मैं वो जान क्यों नहीं है लड़की क्यों झूठ बोल रहे मैं हूँ ना मैं किससे बात कर रहे हो आप देखो मैं हूँ ना जे मैम आपने क्या कर दिया फिर तू हटदा क्यों नहीं सी पिया फिर मैंने यही करना पड़ा सी मैम वो तो वैसे ही बहुत शक करती है मुझ पे आपने तो बिल्कुल ही तेरा स्यापा मुकूगा तो तू मेकअप वाले पासे भाएगा ना और की कर दी फिर मैं है तीन बारी तेन मैं क्या फिर तू घड़ी पिछो दिन चट 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 लगा आया फोन ही बाहर रख गया फोन हुन करने जोगी रहनी नहीं है हुन तो समझ वे ही जिंदगी तो बाहर हो गया फोन मैम मेरी पर्सनल
बस बेटा हुण तुसीं 2 मिंटां च आ जाणा, आह लिपस्टिक कल्ली रह गई बस लाई समझाऊंगा। मैम देख मेरी गल सुन बेटा, मेरी तेरे नाल कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं हैगी, मैनू काम चाहिदा टाइम दे उत्ते, जां तां अपनी सहेली नूं समझा कि ओह तैनू जदों तू काम कर रहा उदों फोन ना करे, ठीक है ना? ओके। ते जां फिर इह हैगा कि तुसीं इह वाला काम ना करो, इन्हां ने तुहानूं पे कीता इतना थोड़ा, हुण मैं तेरी थां दे उत्ते मैं उहनां कोलों झटका खाई जावां काहदे लई? हुण तां वैसे वी नहीं आउणा तू, चल कर हुण उस टेंशन च मैं डुब्या रहा, इहनूं खतम कर, मैं वाला बूटा लै के जावां सीध करां जाके उत्ते। नहीं उठा रही ना फोन। क्या सीन है? फोन देखो कर रहा है इनको। फोन इसलिए कर रहा हूँ डार्लिंग, मेरी कोई भी गलती नहीं है, वो मैम थे जो बोल रहे थे पीछे, कोई लड़की नहीं थी। सुन देखिया, तू मेरा आजकल फोन पे था रहा, तेरे नखरे बढ़ गए, अब तेरे लिए काम सब कुछ हो गया और तू मेरे को सेकेंडरी में ला रहा है। तूने कहा था मेरे लिए प्राइमरी और बंदी एक ही होगी, मतलब काम और बंदी प्राइमरी में जाएगी, तू मेरे को सेकेंडरी बना रहा है। लेकिन तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना यार, काम के वक्त तो काम ही करूंगा ना, तुम्हें भी तो टाइम देता हूँ ना मैं पूरा। हेलो, तुझे क्या लगता मैं वेली हूँ? तू पहले बता, मैं काम नहीं करती हूँ, मैं तेरे को टाइम नहीं देती हूँ, वेली दिखती हूँ तेरे को? यार तो जरूरी जरूरी तो नहीं है कि जिस टाइम तुम फ्री हो उस टाइम मैं भी फ्री हूँ। सुन, अब बात सीन ऐसा है, मेरे घर वालों ने लड़का देख लिया है, मैं तो करने लगी शादी, मैं क्यों तेरे लिए घर वालों से लड़ू जिसके पास टाइम नहीं है और पीछे से चार्लिंग चार्लिंग हो रही है। यार शादी के टाइम, शादी के बाद तो टाइम ही टाइम दूंगा ना, बहुत सारा टाइम दूंगा। शादी के बाद तो तुम तो पीछे हो गए ना, तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए? तो मेरी माँ शादी करूंगा भी कैसे? बंद कर, तेरी वजह करके ना अगले ने मेनू फिल्म चो कट दिता बाहर, फिर तू सहेली दे नाल चंबड़िया। सॉरी मैम, तेरा स्यापा होया सारा, मेरी थां ते उन्होंने होर आर्टिस्ट बुला लिया, कोई कहिंदे मैडम तुसीं लेट बड़ा हुंदे जे, और नहीं तो दफा हो जाओ, निकल जाए इत्थों। शर्म ही नहीं आती कि फिर चंपड़िया हो। फोन तुसी रख लो, मैं सिर च मारना तेरा फोन, चल दफा हो इत्थों।